दोस्तों इस पोएम को 1951 में लिखा था एक अमेरिकन पोएटिस एड्रिन रिच ने, और ये इनकी बुक अ चेंज ऑफ वर्ल्ड में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में एक कैरेक्टर है आंट जेनिफर। मैं आपको बता देता हूँ इस पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड, फिर उसके बाद में इस पोएम को डिस्कस करेंगे। इसका एक कैरेक्टर है आंट जेनिफर, जो कि क्राफ्टिंग का काम करती हैं। टेपेस्ट्री पैनल्स होते हैं कुछ इस टाइप के, इन पर ये सुई से टाइगर्स बनाती हैं, यानी ऊन के कपड़े पर सुई से निडल से टाइगर्स बनाती है। आपने देखा होगा कहीं कुछ ऐसा बनाते हुए। तो वो ऐसा क्यों करती है? ताकि वो अपनी अनहैप्पी मैरिज से, जो शादी जो सक्सेसफुल नहीं है उनकी, उससे ध्यान हटा सके। तो ये पोएम उस वक्त लिखी गई थी दोस्तों जब डिवोर्स अनएक्सेप्टेबल था एक वेमेन के लिए, एक औरत के लिए। तो ये पोएम शादी के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करती है। ये इंस्टीट्यूशंस बस औरतों को दबाने के लिए बने हैं। तो शुरू करते हैं हमारी पोएम को डिस्कस करते हैं। तो इस पोएम की पहली लाइन है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। इसका मतलब ये है आंट जेनिफर के टाइगर, आंट जेनिफर जो अपनी सुई से कैनवास पर कुछ बना रही है, वो क्या है? वो इनके टाइगर्स हैं जो कैनवास पर इधर उधर कूदते हुए दिखाई देते हैं। प्रांस का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कूदना, अक्रॉस द स्क्रीन का मतलब है उस कैनवास की स्क्रीन पर। ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इस लाइन का मतलब ये है कि वो टाइगर जो वो कैनवास पर बना रहे हैं, वो बहुत ही ब्राइट और वाइब्रेंट से लग रहे हैं, जैसे एक टोपाज नाम का कीमती पत्थर होता है, हीरे की तरह होता है दोस्तों, जैसे हीरा कीमती पत्थर होता है, वैसे टोपाज नाम का एक पत्थर होता है ब्राइट कलर का, उसकी तरह। डेनिजंस ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड, डेनिजंस का मतलब होता है रहने वाले, निवासी। तो ये टाइगर्स इस कैनवास के ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, ये डेनिजंस हैं इस कैनवास के वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ये तीसरी लाइन का मतलब ये है कि ये आंट जेनिफर कैनवास पर टाइगर्स तो बना रही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पेड़ के नीचे बीनीथ द ट्री कुछ आदमी भी बनाए हैं, शायद वो शिकारी टाइप के हैं कुछ। तो इन टाइगर्स को बिल्कुल भी डर नहीं लगता उस पेड़ के नीचे खड़े कुछ शिकारी आदमियों से। दे पीस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, इस लाइन का मतलब है कि वो टाइगर्स तो मूव करते हैं बड़ा सर्टेनिटी से, स्मूथली, हिम्मत के साथ। चिवलरिक का मतलब है दोस्तों बड़ा हिम्मत के साथ में, स्लीक का मतलब स्मूथली और सर्टेनिटी से। उनको बिल्कुल डर नहीं लगता उस पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या बोलती हैं पोएटेस, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि आंट जेनिफर की उंगलियां कांप रही है। फ्लटरिंग का मतलब कांप रही है, वूल मतलब ऊन के बने हुए कैनवास पर चलने से। क्यों कांप रही है? फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, इस लाइन का मतलब इवन वो आइवरी मतलब हाथी के दांत से बनी हुई निडल को खींचना भी, पुल करना भी उनके लिए हार्ड हो गया है। उस अपने कैनवास से वो उस सुई को भी खींच नहीं पा रही है। आइवरी का मतलब है दोस्तों हाथी के दांत से बनी हुई कोई चीज़, तो इतना भी नहीं कर पा रही है आंट जेनिफर। क्यों? क्योंकि आगे वाली लाइन में बताया है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, आंट जेनिफर के हस्बैंड यानी अंकल के वेडिंग बैंड का भारी वेट आंट जेनिफर के हाथ पर बहुत भारी सा है, मैसिव वेट है, बहुत ही भारी वेट है, सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ पर वो वेट है, बहुत भारी सा है। किस चीज़ का वेट है, किस चीज़ के वेट की बात हो रही है? अंकल की पहनाई हुई रिंग की बात हो रही है, अंगूठी, वेडिंग बैंड, वही है वेडिंग बैंड। वो आंट जेनिफर को बहुत भारी लग रही है हाथ में, बहुत ही मैसिव वेट है उसका। अब यहाँ पर दोस्तों अंगूठी का कोई मैसिव वेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि उनकी शादी कितनी अनहैप्पी है। और आगे पार्टिस क्या बोलती हैं, वन आंट इज़ डेड, जब आंट जेनिफर एक दिन गुजर जाएंगी तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल, और उनकी ये डरे हुए हाथ फाइनली रुक जाएंगे। लाई स्टिल का मतलब रुक जाएंगे। रिंग्ड विथ ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय,
इस लाइन का मतलब है, तब भी ये रिंग उनके हाथ में होगी, उन पर ये डिफ़िकल्टीज़ का, उनकी डिफ़िकल्टीज़ का मार्क रहेगा कि उनके जीते जी किस तरह से उन पर रूल किया गया, मास्टर्ड बाय मतलब रूल किया गया उनके हस्बैंड अंकल ने, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। लेकिन इन्होंने, आंट जेनिफर ने जो अपने टाइगर बनाए हैं उस कैनवास पर, विल गो एंड प्रेंसिंग, वो ऐसे ही कूदते रहेंगे उस कैनवास पर, प्राउड एंड अनअफ्रेड, विदाउट एनी शेम और फियर। उनको किसी बात की शर्म नहीं होगी, बल्कि प्राउड होगा वो, अनअफ्रेड, बेखौफ होंगे। तो ये था इस पूरी पोएम का एनालिसिस। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।